Now moving to the next question, hydrolysis of 15.45 gram of benzonitrile produced 10.98 gram of benzoic acid. The percentage yield of the acid formed is. So जो benzonitrile है उसका formula क्या होता है? This is benzonitrile, benzene के ऊपर एक CN group. This is benzonitrile. इसकी जब हम hydrolysis करते हैं, अगर इसकी हम acidic hydrolysis करेंगे तो यहां से there will be formation of benzoic acid, that is this one. So यहां से अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, C6H5CN, और इसको क्या लिख सकते हैं, C6H5COOH. यहां से अगर हम इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालें so वो कितना आएगा, कार्बन का वेट कितना है, 12 इंटू 6 कार्बन है प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 कार्बन 12 प्लस नाइट्रोजन 14. यहां से जब इस पूरे को ऐड करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 103 ग्राम. सिमिलरली जो बेंजोइक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 60 प्लस 1. सो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 122 ग्राम. सो बेंजोइक एसिड और बेंजोनाइट्राइल है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें मालूम है. नाउ 103 ग्राम ऑफ बेंजोनाइट्राइल प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, दैट इज 122 ग्राम. सो हम लिख सकते हैं 103 ग्राम ऑफ बेंजोनाइट्राइल produces benzoic acid C6H5COOH equal to 122 gram. So जो 1 gram of benzonitrile produces how many gram of benzoic acid, so this is 122 divided by 103. और जो question है इस question में कितना given है, 15.45 gram है benzonitrile का. So, यहां से 15.45 ग्राम ऑफ बेंजोनाइट्राइल प्रोड्यूसेस बेंजोइक एसिड इक्वल टू 122 डिवाइड बाय 103 इनटू 15.45. सो इसको जब डिवाइड करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 18.3 ग्राम. नाउ परसेंटेज यील्ड, सो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू और थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड क्या होगी, एक्चुअल यील्ड कि एक्चुअल हमें कितनी ऑब्टेन हुई है डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड यील्ड इनटू 100. सो एक्चुअल कितनी है, दिस एक्चुअल वैल्यू इज 10.98 डिवाइडेड बाय 18.3 इनटू 100. इसको जब कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 60%. So, जो परसेंटेज यील्ड है दैट इज 60%. सो परसेंटेज यील्ड ऑफ द एसिड फॉर्म इज 60%. दिस विल बी द आंसर.